अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम लीना शिकरी। नाज़रीन, सबका और सारी आवाम का सवाल ये ही है कि 2017 में क्या ऑफशोर का शोर थम जाएगा? ये पैनामा लीक्स का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा? आज इस पूरे हफ्ते की जो आपने समात और उसकी डिटेल्स जो अपने न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए आप तक पहुँच नहीं रही, वो यही थी कि तमाम वो जो वकील हैं अपने अपने क्लाइंट्स के हवाले से वो आर्ग्यूमेंट्स और उनकी सपोर्ट में उनके केसेस के वो आर्ग्यूमेंट्स अपने पेश करते रहे। मामला जा किस तरफ रहे हैं, आर्टिकल 66 का भी हवाला दिया जा रहा है, आर्टिकल 187 का भी हवाला दिया जा रहा है, 62-63 के भी हवाले से बेंच ने अपने रिमार्क्स दिए कि अगर 62-63 अगर लागू हुआ तो फिर पार्लियामेंट में कोई नहीं बचेगा। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये केस जा किस तरफ रहा है, और चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है अपनी विक्ट्री के हवाले से इन पैनामा गेट केस, आज इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू रहेगी। एंड टू हैव सम लीगल ओपिनियन ऑन दिस मैटर, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आई एम वेरी ऑनर्ड सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेनेटर डॉक्टर बाबर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। कल का ही बेंच का एक रिमार्क था, इवन दो का खास जजेस ने कहा है कि भाई हमारा रिमार्क डिस्कशन का हिस्सा ना बने, बट समथिंग दैट आई वुड वांट टू मेंशन हियर इज दैट द बेंच रिमार्क, प्राइम मिनिस्टर हैड सेड हिज लाइफ वाज एन ओपन बुक, बट नाउ वी फील दैट सेवरल पेजेस ऑफ दैट बुक आर मिसिंग। एज द केस इज प्रोसीडिंग, दो ढाई महीना तकरीबन इस चीज़ को हो चुका है, वकला भी बदले हैं सिंस द लॉन्च ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज चिल्ड्रेन। सर, एक जो एक बुनियादी चीज़ देखी जा रही है वो ये है कि मखदूम अली ख़ान साहब जो अब नवाज शरीफ साहब के एडवोकेट हैं, वो अपने क्लाइंट को हर तरह से जो उन्होंने स्टांस अडॉप्ट किया है वो डिसएंटेंगल करना चाहते हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब का तो नाम ही नहीं आया एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल फॉर हिज सन्स बिजनेस। व्हाट वुड यू से सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जो रिमार्क्स हैं, आई वुड लाइक टू एंगेज ऑन दैट। बात सुनिए, पूरी कौम तवज्जो से सुने। बात यह है कि जो उन्होंने कहा है उसका सिर्फ एक मतलब निकलता है मेरे कागज़ों में, और वो मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी जो किताब है उसका सिर्फ एक सफ़ा है जिस पे कुछ मौजूद है, वो पहला सफ़ा है, और बड़ी मासूम सी इमरान खान के कहने के मुताबिक उस पे उनकी तस्वीर लगी हुई है, बाकी तो वो ब्लैंक पेपर है। अच्छा, किस तरह से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन मी, मैं हाउ डू आई से दिस, तीन रीजंस आप ज़रा देख लीजिएगा। जो उनकी ज़िंदगी के आगाज़ के लम्हे हैं उनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो ग्वाल मंडी के अंदर रहने वाले मेरी तरह आपकी तरह से एक कॉमनर है वो। उनकी ज़िंदगी की जब पॉलिटिक्स शुरू होती है तो यूं पता लगता है कि मेटोरिक राइज, एक जेट स्पीड लग गई है उनके एहसासों को, उनकी मलकियतों को, उनके महलात को, उनके अकाउंट्स को। ये दूसरा पहलू है, ये दूसरी किताब का दूसरा बाब है। अच्छा, जो तीसरा है वो ये है कि वो फिर ऑफशोर चले जाते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर तशरीफ लेके जाते हैं, और वहाँ भी पता लगता है कि जिस चीज़ को वो ख़ानदान हाथ लगाता है ना जी, जिस पत्थर को वो पारस हो जाता है, जिस वो गिलास को उठाते हैं वो भर जाता है, जिस कलम को वो पकड़ते हैं, ये तो हमारे वाला तो बेचारा प्लास्टिक का ना, वो येलो हो जाता है लेकिन सोने का हो जाता है। ये है वो किताब, जिस किताब का एक सफ़ा जो गुमशुदा था, जिधर इशारा हुआ है, वो गुमशुदा सफ़ा सामने आ गया। वो ये था कि इनके जितने भी ऑफशोर मामलात थे उनके ऊपर, और मैं एक बात जो अभी तक नहीं कही गई वो मैं कहने लगा हूं आपके शो में। देखिए, पहला सवाल ये है कि अगर दुनिया के उन ममालिक में जहां के लोगों के नाम आए हैं, आइसलैंड वाले का नाम आ गया, रशिया वाले का नाम आ गया, लंदन वाले का नाम आ गया, बेशुमार दूसरे लोगों के नाम आ गए, और हम तो किसी और दुनिया के लोग हैं ना, यहाँ तो बादशाहत है, किंगडम्स हैं, मिडल ईस्ट में भी किंगडम्स हैं, हमारी एक शेडो किंगडम है, बनाना किंगडम आप उसको कह लीजिएगा। अच्छा, किसी जगह मुझे ये बताइए, दुनिया में अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगे तो लोग सू करते हैं या नहीं करते? मुकदमा करते हैं, अजाला हैसियत उर्फी का करते हैं ना जी, तो किसी ने मुकदमा किया जी? मैं आपको आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि किस तरह से मुकदमे करते हैं। आपको याद है जो विकी लीक्स वाला था, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ स्कैंडिनेविया में क्या हुआ? मुकदमे बन गए। अमेरिका में क्या हुआ? वहां उसके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा बना हुआ है, और सारी दुनिया से वो बेचारा छुपता फिर रहा है, कभी वो रशिया में होता है, कभी किसी एम्बेसी में घुसा होता है, कभी किसी का वो पनाह ढूंढ रहा है। तो ये तो मारे जाते, ये तो वो तो फिर भी एक जर्नलिस्ट था, ये तो वकील है बाकायदा, ये तो भाग ही नहीं सकते, प्रोफेशन इनका किधर जाता, नहीं हुआ। अब नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादगान हैं वो दोनों लंदन में रहते हैं, एक्सपेट्रिएट्स के जुमरे में आते हैं पाकिस्तान, कभी कभी वो दौरे पे तशरीफ लाते हैं, खाली बैग लाते हैं, लोग कहते हैं जब जाते हैं तो वो खाली नहीं होते, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अब उनके हवाले से
कोई उन्होंने सू किया नहीं किया, अब आ जाइए पाकिस्तान में, क्या नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी ने कभी या उनके बेटों ने कभी कहा है कि ये झूठ बोला गया है पनामा लीक्स के बारे में, कहा है कभी? नो. तो मसला क्या पीछे रह जाता है जिसको हमने साबित करना है? बारे सबूत मतलब है वजन वो साबित करने का तब होता है जब आप इनकार करेंगे. सर ये तो कहते हैं शुरू दिन से कि बारे सबूत इज ऑन द पिटिशनर, द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग द केस. ऑफ कोर्स, और होना भी इसी आइडियली तो होना भी इस तरह यही होना चाहिए ना. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना, वो तो कंप्लेनेंट है, ये हाँ. कोई वो ट्रायल करवाने के लिए नहीं गए. उन्होंने इमरान खान ने जाके एज एन इन्फॉर्मर, टैक्स के मामलात में भी इन्फॉर्मर कहते हैं, बाकी जगह भी इन्फॉर्मेंट कहते हैं, वो वहां पे चले गए. उन्होंने मामला सामने रखा, कहा ये प्रॉपर्टीज इनकी सामने आई है, इनके बारे में इनसे पूछ लीजिए. इमरान खान के पहुंचने से पहले कौम के पास पहुंच गए नवाज शरीफ साहब. नवाज शरीफ साहब ने दो तकरीरें सरकारी खर्च पे की, तीसरी कौमी खर्च के ऊपर असेंबली के अंदर की. उन्होंने कहा कि ये पैसे मेरे हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास ट्रेल है, मैं साबित करूंगा, मुझे अदालत में लेके जाओ. बिल्कुल. इस तरह लगता था जिस तरह वो कहते हैं ना, एक आग का दरिया आ रहा है, जो ही इंसाफ का मंदिर खुलेगा जल के रह जाएगा. अच्छा, दूसरा आपको याद है नवाज शरीफ साहब के एक साहबजादे को एक पाकिस्तानी ने पकड़ा सड़क पे इंग्लैंड में, वीडियो है ना आपके पास, तो चला दीजिए वीडियो में. वो उनको कहते हैं, यू वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम मी, गो टू द कोर्ट, टेक मी टू द कोर्ट, आई विल प्रूव इट दैट. राइट. तो अब क्यों कहते हैं मेरे नहीं है, अब क्यों कहते हैं बेनिफिशियल ओनर मरियम नहीं है, अब क्यों कहते हैं कि ये पैसे वो वाले नहीं है? और मैं आखिरी सवाल इस पर यह उठाता हूं जो कौम की तरफ से, मैं वैसे उससे पहले एक बात कह दूं, कौम के सामने ये मुकदमा हार चुके हैं, दयानतदारी के मैार के ऊपर ये मुकदमा हार चुके हैं, पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर भी ये मुकदमा हार चुके हैं. उसका एक पोर्शन रह गया है जो इस वक्त अदालत के अंदर एडजुडिकेशन में है, वहां भी ये डेफिनेटली हारेंगे. और मैं जो कहने लगा हूं बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप इखलाकियात देखिए. एक सेशन जज की बेगम साहबा पे, एडिशनल सेशन जज की खुर्रम साहब की, इल्जाम आया कि उन्होंने मेल ट्रीट किया बच्ची को, बड़ी ज्यादती की बात है. लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको औहदे से हटा दिया. बिल्कुल. और नवाज शरीफ के लिए तो बार और ऊंची जानी चाहिए ना, इखलाक का मैयार और ऊंचा होना सर. तो उनके वकील कह रहे हैं कि नो लॉ कैन होल्ड हिम क्वेश्चनेबल फॉर इट, कि उनके बच्चों के अगर बिजनेसेस थे, कोई लॉ नहीं उनको पूछ सकता, सवाल कर सकता. हाँ, ये वो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं. अगर कोई किंगडम है तो वहां लॉ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में सवाल है. मैं आपको लॉज बता देता हूँ. आप सबसे पहला, बिल्कुल, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, इन सदादे करप्शन का एक्ट 1947 का पाकिस्तान का पहला कानून है, जो ये कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी हैसियत से ज्यादा वसाइल की जिंदगी गुजार रहा है, इसको कहते हैं लिविंग बियॉन्ड मींस, विच इज अ क्राइम. क्वेश्चनेबल तो है. Absolutely. दूसरा कानून मैं बता देता हूं, नवाज शरीफ साहब का अपना पसंदीदा कानून, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को प्रोसिक्यूट और आसिफ जरदारी को प्रोसिक्यूट करने के लिए उन्होंने बनाया था और अपने मुखालफिन को उसमें हथकड़ियां मारी थी, वो कानून है एहतसाब का एक्ट 1997. मुशर्रफ ने आके उसको इम्प्रूव किया, नैब ऑर्डिनेंस 99 हो गया. शुरू हुआ था इनके दौर में शुरू हुआ था. और इनके दौर में जो पहला एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन था वो इनका अपना सेनेटर था, इतना वो मुनसफाना था कानून. उसमें भी लिखा हुआ है, यू नीड टू एक्सप्लेन आपके पास कहां से आए. अच्छा, उसी में लिखा हुआ है कि आपका स्पाउस और आपके बच्चे, उनके लिए भी आप अकाउंटेबल हैं, वो पैसे कहां से है. अच्छा, इस तरह का मजे का खेज पता है मौकिफ पहले कौन ले चुका है जी? एक सियासी जज था, एक बहुत बड़े अहदे तक वो पहुंच गया, तो उससे किसी ने पूछा कि बेटे की आपको गाड़ियां कभी नजर नहीं? उसने कहा कसम से मुझे तो नहीं कभी नजर आए. यू ना करें कौम के साथ, नवाज शरीफ साहब यूं ना करें कौम के साथ. कौम को पता है पैसे किसके हैं, कौम को पता है कि इनके साथ के बच्चे लंदन की गलियों के अंदर आज भी पाकिस्तानियों के रुल रहे हैं जॉब्स के लिए, और दो चार नहीं है, बेशुमार हैं जो रुल रहे हैं. उनको तो मुकद्दर का सिकंदर किसी ने नहीं माना. आपके मुकद्दर के सिकंदर और आपके वसाइल इसलिए कि आप पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर बैठे हुए हैं. बस डॉक्टर साहब, जिस तरह मखदूम अली खान साहब की मैं बात कर रही हूँ, कैन ही सो कम्फर्टेबली डीलिंग हिज क्लाइंट हु हैपेंस टू बी आवर प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द बिजनेस ऑफ हिज चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल. देखिए, जो उनका मौकफ है, अब किसी एक वकील को छोड़ दीजिए, लेट अस टॉक ऑब्जेक्टिवली. लोगों को समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ भी हम कोई एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग्स लेके नहीं बैठे हुए, हम तो बात कर रहे हैं जो सूरत हाल है, कौम को पता लगे उनके साथ क्या तमाशा लगा हुआ है. पहली बात यह है कि उनका वकला का एक सेट आता है, वो सेट आके कहता क्या है सुप्रीम कोर्ट में, अकरम शेख साहब मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, अकरम शेख साहब ने कहा कि मेरे दफ्तर में वो सारे सबूत पड़े हुए हैं और वो दफ्तर में से ला के सिर्फ हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश करने हैं.
जिसमें हर चीज़ एक्सप्लेन हुई हुई है, वसाइल कहाँ से आए एक्सप्लेन हुआ हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है, सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पहली बात। दूसरा, एक और वकील साहब खड़े हुए उनके जो भट्ट साहब, वो भी हमारे छोटे अजीज हैं बड़े, भट्ट साहब ने ये कहा, सलमान भट्ट साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे पास तो चिट्टों पे कारोबार होता था, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेजर का सवाल पैदा नहीं होता। अब ये जो दोनों वकला बोले हैं, ये दोनों वकला नहीं बोले, ये दो दफा नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के बाद अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद वो बोले हैं। मैं किस तरह से बोलूंगा, इमरान खान का ब्रीफ मेरे पास है या किसी और पार्टी का ब्रीफ मेरे पास है, मैं तो वो बोलूंगा जो मुझे क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी कि मेरा दिफा ये है, मैं तफ्तीशी तो नहीं हूं, मैं क्यों बोलूं ये गलत है ये सही है, मैं कहूंगा मेरे क्लाइंट के मौके के मुताबिक ये गलत है ये सही है। तो दो दफा उन्होंने ये बातें सारी तस्लीम कर, कौम के सामने है ना, तस्लीम क्या किया, वो कहते हैं हमारे पास ट्रेल नहीं है, दूसरा वो कहते हैं हमारे पास वसाइल एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, ये रिकॉर्ड यहां तक हम एग्री करते हैं। बट बाबर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब जब सलमान भट्ट साहब के थ्रू अगर बोल रहे थे या फिर अकरम शेख साहब के थ्रू बोल रहे थे, सही कब बोल रहे थे? क्या ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अगला मैं तीसरा वकील उनका आ गया, उसके बाद मैं आई विल गो बैक टू योर क्वेश्चन। जो तीसरे उनके वकील आते हैं मखदूम अली खान साहब, मखदूम अली खान साहब ये कहते हैं कि इनका तो किसी मामले के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर जक्स्टा पोज करें जरा मखदूम अली खान साहब तीसरे वकील का ये मौकफ, पहले दोनों वकीलों का, यानी वन एज अगेंस्ट टू पहले रख लीजिएगा, और तीसरा अब थ्री में करने लगा हूं। नवाज शरीफ साहब का ये मौकफ कि जनाब स्पीकर ये हैं वो सारे वसाइल और जराए, ये हैं वो हतमी सबूत जिनसे ये साबित होता है कि पैसे हमारे थे, हमने किस तरह फलां जगह लगाए, फलां जगह लगाए, फलां जगह से लगाते हुए हम इसको इंग्लैंड लेके, ये कहा है या मैं कह रहा हूं? सर बिल्कुल कहा है। अच्छा अब आ जाइए कि उन्होंने सच कब बोला, यही तो मुकदमे का फैसला है। कौम की अदालत में इनको शिकस्त इस बात पे हुई है कि हर झूठ को छुपाने के लिए 101 झूठ बोलने के लिए इन्होंने टीम घड़ी, इन्होंने लोगों को टेररिज करने की कोशिश की, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लोगों को खरीदने की भी, सारे ना डरते हैं, सारे ना बिकते हैं, सारे ना झुकते हैं, सारे ना बंदगाने शिकम होते हैं। अब जो आखिरी सवाल आपने जो सवाल किया, सर मैं चाह रही हूँ इस जवाब को हम जरा आवाम की क्यूरियोसिटी बरकरार रखें, एक मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बाबर रहमान साहब जवाब उस चीज़ पर देंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा जो बाबर रहमान साहब और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले आप जो जवाब देना था, देखिए जो ब्रेक से पहले जो जवाब बनता है वो ब्रेक के बाद भी बनेगा इंशाल्लाह। पनामा केस की ब्रेक हो, आपके शो की ब्रेक हो, विंटर ब्रेक हो, किसी सूरत में जो मर्जी हो जाए, पनामा का हंगामा किसी ड्रामे में तब्दील नहीं हो सकता, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इसके मैं तीन पहले हवाले दे दूं। पहला ये है, ये कहा गया कि अखबारी तराशे रेलेवेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक ताज़ा तरीन मुकदमा है, वही जिसका मैंने तैयबा के मुकदमे का जिक्र किया, तो सारा अखबारात में ही तो छपा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अपनी पेरेंटल जूरिसडिक्शन, जो वालदैन वाली उनकी जूरिसडिक्शन है, इख्तियार समात है, वो कहा कि हम इस्तेमाल करेंगे और वो हमारी बच्ची है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पर्सनली स्पीकिंग आई एम अ पेरेंट। दूसरा जो सवाल है कौम के सामने, सबसे बड़ा इस वक्त ये उठाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को बुलाए बगैर, उनका ट्रायल किए बगैर, आर्टिकल 10 ए में जाए बगैर, उनको सुने बगैर, सुना तो जा रहा है उनको, किसी कीमत के ऊपर भी ये नहीं किया जा सकता कि उनके खिलाफ कोई फैसला है। मैं आपको बताता हूं फैसला है। ये क्यों सिलेक्टिव फैसले कौम के सामने रख रहे हैं, बताएं ना पूरा सच, मैं बताता हूं पूरा सच क्या। आपको याद है जनरल मुशर्रफ ने एक इलेक्शन लड़ा था नॉर्थ से, एमएनए का जीत गया था, वो एमपीए की सीट पे वो जीत गया था, उस इलाके के लोग समझते थे कि वो उनके लिए बड़ा हीरो है, ठीक है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो हल्का लगता है। उस हल्के के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मोटिवेटेड, मैं कहता हूं, एक पिटीशन आ गई थी, कराची बार एसोसिएशन केस उसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों ने वो मुकदमा सुना, जनरल मुशर्रफ को बुलाया गया, नो, उससे पूछा गया तुमने ये जो प्रोक्लेमेशन किया था इमरजेंसी का, तुमने ये जो एलएफओ का प्रोक्लेमेशन किया था, तुम कोई इसको डिफेंड करना चाहते हो, उसको नहीं पूछा गया ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मुल्क का सदर है, मैंने तो नहीं उसको वर्दी में लड़ने की इजाजत दी, ना आपने ना कौम ने उसको अप्रूव किया,
हम जब आए तो मुशर्रफ को हमने हटाया उस वर्दी समेत, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उसको इस्तीफा देना पड़ा जब हमारी गवर्नमेंट आई पीपल्स पार्टी की उस वक्त की। आप जरा आगे चलिएगा, उस मुकदमे में जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने कहा कि तुम इलेक्शन लड़ो, इसलिए तो वो जीता था ना जी, वो प्रोसेस में चला गया। और फिर एक कोलैटरल मुकदमे में सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मुकदमे में उसको सुने बगैर हमेशा के लिए उस पर पाबंदी लग गई। अब जरा आगे चलिए, एक केस और है। देखिए ना, आप जजमेंट्स बताते हैं तो पूरी बताएं ना जरा। लेट अस असेस द नेशन, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन रूम, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन इंस्टीट्यूशन, इज द क्वेश्चन ऑफ 20 crores पीपल ऑफ दिस कंट्री। लेट अस टॉक अबाउट देम एंड लेट अस टॉक टूवर्ड्स देम, उनसे बात करें, उनकी बात मैं दूसरी करता हूं। हमारी बड़ी मोहतरम है सुमैरा मलिक, उनके ऊपर एक सियासी फैसले के मुताबिक एक सियासी जज ने, और सबको पता था कि क्या दुख है किस किस के खिलाफ जो सियासी फैसले हो रहे थे, लेकिन वो फैसला है, इट होल्ड्स द फील्ड। उसमें कहा गया कि सारी जिंदगी के लिए नाअहल हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं खुशाब से, वो वहां पे जीत जाती हैं। अब जो पिटिशन है उनके खिलाफ वो ये नहीं है कि नाअहली है, वो ये है कि किसी वोट का कोई शायद पिक्चर बन गई या नहीं बनी, कोई असली है या जाली, ये भी फैसला होना है अभी अदालत में, अदालत ने वो जजमेंट सस्पेंड की हुई है, ठीक है जी। तो उनको बुलाया गया था कि आप बताइए आप क्या कहती हैं। पहला राउंड वो सुप्रीम कोर्ट तक जीत के गई थी, और दूसरे में मेरा लाइसेंस सस्पेंडेड था, आई वॉज द लॉयर ऑफ सुमैरा मलिक इन द फर्स्ट राउंड, मैंने उनका मुकदमा लड़ा। अच्छा, ये दूसरा केस मैंने आपके सामने रखा। फिर ये जो केस है जनरल मुशर्रफ वाला, ये फुल कोर्ट है, 17 जजेस का फैसला, 7 पे हावी, 7 का फैसला 5 पे हावी, 5 का फैसला 3 पे हावी, 3 का फैसला 2 पे हावी, 2 का फैसला इन चेंबर एक जज जब बैठता है तो उस पे हावी। इसलिए मिसाल तो मौजूद है, मिसाल इससे पहले मौजूद है। एक और मैं आपके सामने केस रख देता हूं, वो केस अवाम का केस है, बारे सबूत बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का बोझ तब होता है जब सबूत ना हो या सबूत से इनकार हो, दो ही सूरतें होती हैं। आपने क्लेम किया मैंने 10 रुपए देने, मैं मान गया क्लेम, तो बारे सबूत आपको कहां से चाहिए कि आप एविडेंस दें, किसके सामने दिए थे, किस बैंक से आपने निकाले थे, नोट कौन से थे, साल कौन सा था, ये तो सारा मानते हैं ना जी। और मानने के बाद अब आखिरी वकील पे, जो वक्फे से पहले आपका सवाल, तो मैं वापस आ जाता हूं, मुझे याद है जो आप आखिरी वकील आते हैं वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको यहां नहीं किसी और जगह भेज दें जहां एक मुकदमा चले, जहां हम लटकाएं, जहां हम गलियां तलाश करें, पतले रास्ते हम ढूंढे, वहां से हम निकल जाएं किसी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट फैसला यही वो कह रहे हैं ना, कोई उन्होंने कहा है। अच्छा, एक और उनका इतराफी जुर्म जो आ गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जो उन्होंने बोले हैं वो इतराफी जुर्म क्या है, उन्होंने कहा अगर कोई चीज गलती से रह जाए तो फिर जितने पीछे डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको मौका देना, गलती जाके दुरुस्त करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। और ये सर, दिस ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जस्टिस एजाज अफजल साहब ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट रेज किया था कि कैन दिस बी अ हिंड्रेंस टू द टॉप कोर्ट्स रिव्यू ऑफ द पीएम स्पीचेस मेड इन द पार्लियामेंट, क्योंकि आर्टिकल 66 जो है वो प्रोविजन सेज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट and no member shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him parliament. Do mukadme main bata deta hu kaun ko aur, bilkul bataye sir. Theek hai, pehla mukadma hai 18th aaini tarmeem ka mukadma. Main law minister tha, humne aain amend kiya, supreme court of pakistan ne judicial review mein entertain kiya. Ek dusra hai 19th ka mukadma, aur phir teesra hai us pe humne 20th aaini tarmeem jari ki. ये पहला हो गया जुडिशियल रिव्यू के, वोट अगर कोई देगा, हम बोले भी वहां सारे, हमने मौका भी दिया सबने, हमने वोट भी दिए सबने, हमने 6 से 8 महीने तक हमने कमेटी के अंदर, कमेटी जब बैठती है वो भी पार्लियामेंट है, हमने बड़ी एक कहते हैं ना बाल की खाल उतारने वाली हमने डिस्कशन की हुई थी, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल रिव्यू में उसको सुना। एक दूसरा, हम क्या कह रहे हैं, हम ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो उन्होंने कभी उससे कोई रूगर्दानी की, हम तो कह रहे हैं उन्होंने टोटल सच बोला हुआ है, अब वो सच साबित करें अदालत के सामने आके, उनको प्रोसिक्यूट तो कोई नहीं कर रहा ना। हम तो उनका बयान है एज एन अटेंडिंग सर्कमस्टांस कोराबरेशन सपोर्टिव सूरत में हम उसको सामने रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब को और मौका मिल रहा है। वो कहते थे जो सबूत हमारे सामने हैं अदालत खुलने दीजिए, तो अदालत खुल गई है।
आइए सबूत लाइए, तो इसमें इम्यूनिटी का सवाल नहीं है। अच्छा दूसरा, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है। अच्छा आपने जो लफ्ज पढ़े वो मुझे भी याद है, पहला है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा मैं आपको आर्टिकल 8 की मिसाल देता हूं, आर्टिकल 8 ये सारे देखें और पढ़िए, उसमें कहा है कि एनी लॉ एनी कस्टम एनी यूजेज, अब कस्टमरी लॉ भी होते हैं और जिरगा लॉ को आप यूजेज कह सकते हैं, और एनी लॉ विच इज मेड इट इज अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन एनी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो भी कानून मुल्क के अंदर बनाया जाएगा सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, जहां जहां वो बुनियादी हुकूक से मुतसादम है वो समझा जाएगा वो वॉइड है, वो खाली है, नॉन एस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब पहला फंडामेंटल राइट है लोगों का कि वो जस्टिस तक उनको एक्सेस मिले, right. अच्छा आर्टिकल 187 कहता क्या है, टू डू द कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। आर्टिकल 184(3) जिसकी प्रोसीडिंग चल रही है वो कहता क्या है, वो कहता है अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है तो मेरे पास लेके आओ, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खोलता, एक शराब बनाता है इंसाफ की लोगों के पहुंचने के लिए, इसीलिए उसको सुओ मोटो इख्तियार भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। राइट सर, ये जो मखदूम अली खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब उनके क्लाइंट जो है, ही वॉज नॉट अ शेयर होल्डर इन द गल्फ स्टील दुबई, ही वॉज नीदर अ डायरेक्टर नॉर अ शेयर होल्डर नॉर अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी ऑफ शोर कंपनी। अब आर्टिकल 187 जो आप कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको हुक्म दे सकती है, डायरेक्ट कर सकती है टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स? यस बिल्कुल कर सकती है, और उसके बाद ये जो इनके वकील साहब आए ना, जो उनका मैंने कहा तीन है ना, इट वाज वन अगेंस्ट थ्री, नवाज शरीफ साहब का बयान, अकरम शेख साहब का बयान, सलमान भट्ट साहब का बयान, अब ये जो चौथा बयान है ना, ये भी मैं इसको इस सफ में ले जाता हूँ, यहाँ जीरो हो गया पूरा। किस तरह ये इस सफ में चले जाते हैं, इन्होंने कब कहा है कि हमारे पास कोई सोर्स है, इन्होंने कब कहा है कि हम कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब इन चारों को आप मिला के रखेंगे तो इसमें से अगर कोई झूठा पकड़ा जाएगा तो फिर जाहिर है वो नवाज शरीफ साहब के चारों मौकफ है ना, इनमें से अगर तीन गलत हैं तो वो नवाज शरीफ साहब के तीनों मौकफ गलत है ना, और एक मौकफ उनका सही है, तो ये मौकफ किसने लिए? अच्छा एक दूसरा ये मुझे बताइए, ये बड़ा एक अजीब तमाशा है पाकिस्तान में लगा हुआ कि पूरी काबीना वहां जाके बैठ जाती है सुबह से लेकर शाम तक, पूरी काबीना वहां खड़ी रहती है, रेलवे के हादसे होते हैं वजीर साहब यहां मसरूफ हैं, तालीम में हादसे हो रहे हैं वजीर साहब यहां मौजूद हैं, बाकी सारी कैबिनेट वहां खड़ी होती है। अगर नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है तो आप ये बताइए कि आप प्राइवेट लोगों को डिफेंड करने के लिए काबीना अपनी सरकारी गाड़ियां वहां ला सकती है? सर पीपल हैव बीन क्वेश्चनिंग दिस। नहीं ला सकती ना। एक इसका दूसरा पहलू देख, नवाज शरीफ साहब अगर नहीं है तो उनको किसने मशवरा दिया था कि आप तकरीर करें? एक फिर तकरीर करें, दो फिर तकरीर करें, तीन और इस पिछले दो दिनों में फिर दो तकरीरें आप और करें। इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के कौम के सामने और पाकिस्तान के गली कूचों में आपको भी लोग मिलते हैं, आपको भी ख्वातीन मिलती हैं, मुझे भी लोग मिलते हैं, मुझे भी ख्वातीनों हजरात मिलते हैं, आप यकीन करें एक आदमी भी ऐसा नहीं है सिवाय उनके जो लॉयर्स जाहिर है जो पे रोल पर जाता है उसका फर्ज है कि वो अपना फर्ज पूरा करे, और सिवाय उनके जो इस वक्त सरकारी औहदे जिनके पास हैं, इनकी पार्टी के लोगों से भी ऑफ द रिकॉर्ड जब आप सुने ना गुफ्तगू तो हमसे 10 गुना आगे होती है। वो कहते हैं फड़ेगे नहीं यार, और किस तरह फड़े जान। सर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ये डिक्लेयर किया है दैट इट वुड डेफिनेटली डिस्पेंस जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अवाम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि एक जस्टिस की डिस्पेंसेशन नजर आएगी मुल्क में, आपको लगता है ये मामला किसी तरफ एनी टाइम सून आता दिखाई दे? यस, लेकिन एक बुनियादी बात मैं कह दूं, ये साइकिल चोरी का मुकदमा नहीं है, ये किसी पटवारी के 50 रुपए नहीं है, ये किसी क्लर्क ने चाय पीने के लिए 100 रुपए ले लिए, ये वो मुकदमा नहीं है। एक ऐसा आदमी है अदालत के सामने कटहरे में खड़ा जिसकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में शान है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उस पर अखराजात उठते हैं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा वसाइल उसके पास है, पाकिस्तान के सारे खजाने का वो मालिक है, पाकिस्तान के लोगों को वो चाहे तो बर्बाद कर दे कर्जों के बोझ से लाद के, अगर वो चाहे तो कर्जे उतार दे, पाकिस्तान के लोगों के लिए वो सारी दुनिया में जाता है, वो पाकिस्तान समझा जाता है, हम उस शहर में मौजूद हूं मैं और आप, हम दोनों पाकिस्तान नहीं समझे जाएंगे, ही इज ऑफिशियली पाकिस्तान नॉट द पीपल ऑफ पाकिस्तान लिविंग इन दैट सिटी। अब इस आदमी का ट्रायल जब हम करेंगे, दूसरा इसका पहलू मैं रख देता हूं आपके सामने, हल्फ है अल्लाह और रसूल की कस्में, पाकिस्तान के खजाने को बचाने का हल्फ है, पूरा सच बताने का हल्फ है, कोई बात न छुपाने का हल्फ है, किसी की फेवरेटिज्म न करने का हल्फ है। वजीर आजम साहब लगे हुए बच्चों को बचाने के लिए, पूरी काबीना उनकी लगी हुई है, उनके बच्चों को बचाने के लिए अगर वो मुलजम नहीं है
तो फिर उनके लिए वही स्टैंडर्ड होना चाहिए जो साइकिल चोर के लिए है, और जो पाकिस्तान के खजाने पे बैठा हुआ वजीर खजाना हो या पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से पाकिस्तान का वजीर आजम हो, तो यार्ड स्टिक और लाठी एक से दोनों को आंकेंगे? आंसर इज नो। इसीलिए मैं कहता रहा हूं, इसीलिए मैंने आज भी इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में उनको भी कहा, आज भी मैं आपके टेलीविजन प्रोग्राम में कहना चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान के इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने कहा जज साहब आप हट जाइएगा, उन पे लाठी मारने का इल्जाम नहीं है, आप पे तो डंडी मारने का इल्जाम है, आपके खानदान पे पाकिस्तान की पॉकेट मारने का इल्जाम है, आप जब तक बैठे रहेंगे सारे वसायल आपके दिफा में इस्तेमाल होते रहेंगे, आप नीचे उतर आइए, आप देखिएगा सच का सच और झूठ का झूठ। मेरे पास ही पंजाब के एक जिले से एक SHO साहब आए, मैं उनको नहीं जानता था, तो जब वो आए उनकी गुफ्तगू के बाद, गुफ्तगू का एक जुमला मैं आपको बता देता हूँ, उनके जाने के बाद मैंने उस जिले के कुछ 7-8 वकीलों को, उनमें से एक सिटिंग MP है उसको भी मैंने फोन किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस नाम का कोई आदमी आप? उन्होंने कहा यार बड़ा दयानतदार SHO है और इस बंदे को इसके साथ के सारे SP हो गए, SHO ही है, रोज इसके तबादले होते रहते हैं। उसने कहा जी आपको अल्लाह का वास्ता है, इंसाफ के किसी इदारे को कहें ये तफ्तीश आप मेरे हवाले कर दें, ये मुलजमान आप मुझे दे दें, 3 हफ्ते में अगर ना दे सकूं तो मुझे आप जो मर्जी सजाए मौत दे दें, जो मर्जी सजा दे दें, 3 हफ्ते में मैं आपको रिजल्ट दूंगा, सारे वसायल खुद फरफर बोलेंगे पाकिस्तान। ये कोई तरीका है जी? मुलजिम VIP है, ये कोई तरीका है जी? एक और मुलजिम की बात कर लें, पंजाब में बैठा हुआ मुलजिम, वो कहता है मुझे पहले दिन से ही, 302 का मुलजिम कहता है पहले दिन से ही मेरा एतबार ही नहीं था, मैं हमने तो माना ही नहीं है जी, फौजी अदालतों का माना ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं भी ऑपोजिशन सेनेटर उसी सूबे से, कहते हैं जरा वोट दे दें दोबारा, किसकी बात माने कौन? सर क्या कहें सर, बेंच ने जो एक रिमार्क दिया रिगार्डिंग आर्टिकल 62-63 के 62-63 अगर अप्लाई हुआ तो पार्लियामेंट में कोई भी नहीं बचेगा सिवाय सिराजुल हक के, तो क्या कहेंगे पार्लियामेंट की इस वक्त? मतलब इमरान खान साहब उसमें कहते हैं कि अगर कोई नहीं बचेगा एटलीस्ट पाकिस्तान तो बचेगा। मेरे ख्याल में लाइटर नोट पे कहा जज साहब ने भी, इमरान साहब ने भी बड़ा सीरियस लिखा, मैं इमरान की बात में सीरियसली ले रहा हूँ, पाकिस्तान बचना चाहिए। उन्होंने अपना चूंकि कमेंट वापस ले लिया, आई डोंट वांट टू मेक ऑन द कमेंट ऑन द कमेंट व्हिच इज विथड्रॉन ऑलरेडी, लेकिन लेकिन जिसको कहते हैं ना कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या, ये एक आवाज़ है खल्क तो है ना जो उनके मुँह से भी निकला, और ये सटल बात थी ना, ये तो नेचुरल रिएक्शन था। अच्छा अब इसका एक जवाब भी है, इसका जवाब ये सवाल तो मौजूद रहेगा ना अपनी जगह, उनके अल्फाज वापस लेने से सवाल वापस नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। पहली बात ये है कि 62 और 63 आईन का हिस्सा है, आप कहते हैं इस पर अमल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आप अपना आईन उसको सबोटाज कर रहे हैं एक हिस्से को, यू आर होल्डिंग 2 complete long articles ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अबेंस। आपने कहा कि आप तो फिर जियाउल हक से आगे निकल गए ना, आप तो जनरल मुशर्रफ से भी आगे निकल गए। कमाल की बात यह है के लिख के भेजा 62-63 के हवाले से नैब ने इतनी लंबी फहरिस्त भेजी जिसमें सारे बरसर इकतदार ग्रोह के पूरे नाम थे इस इलेक्शन से पहले 20, उन्होंने कहा इलेक्शन होने तो फिर देख लेंगे, फिर कौन देखेगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी, दिस आई एम सेइंग विद द फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सीनियर काउंसिल इन द सुप्रीम कोर्ट, ये मौका है, हमें कौम को यकीन और एतबार दिलाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में 62 और 63 मुर्दा डेड लेटर नहीं है, डेड लेटर नहीं है। अच्छा फिर ये मुशर्रफ के लिए भी रास्ता खुलेगा ना, जब आप कहेंगे नवाज शरीफ से नहीं पूछा जा सकता तो फिर तो उनके लिए भी बिल्कुल, तो मुशर्रफ अकेला था, उसका कोई वजीर आजम नहीं था, उसके साथ बाकी फौजी नहीं थे, उसके साथ पार्टियां बाकी नहीं थी, उनके साथ हल्फ उठाने वाले नहीं थे, उसके अटर्नी जनरल नहीं थे, उसके लॉ मिनिस्टर नहीं थे, उसके लॉ सेक्रेटरी नहीं थे, एक अकेला आदमी था जो रात को आसमान पे उड़ते हुए सारी मुल्क में स्प्रे करता रहा इमरजेंसी, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल सही है सर। एक और मुझे ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, वी विल टेक अ क्विक ब्रेक। बरवान साहब, एक रोज कबल जब आर्मी चीफ कारियां और झेलम का विजिट कर रहे थे तो आर्मी ऑफिसर्स ने उनसे सवाल किए डॉन लीक्स की तहकीकात के हवाले से, आपका इस पे क्या है? पहले आपको खबर बताऊं ताजा तरीन क्या है। पहला ये है कि एक रिपोर्ट बनाई गई थी, वो रिपोर्ट विड्रॉ की गई है, ठीक है, और दूसरा ये है कि अमली तौर पे जिन लोगों को ये खौफ था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हाथ पड़ने वाला है, उन्होंने 3 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब का केस है इलियास खान का, उसमें मैं वकील हूँ,
उन्होंने पहले ये मौकफ लेते रहे कि हम आपके पास ला रहे हैं जवाब, ला रहे हैं ला रहे हैं। कल वो केस लगा हुआ था और अगले रोज़ उन्होंने ये दो दरख्वास्तें डाल दी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये केस चूँकि सीक्रेट एक्ट से मुतालिक है, इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपने जो दो ऑर्डर्स किए हुए हैं, दो ऑर्डर्स आपने किए हुए हैं कि हम आपको रिपोर्ट पेश करें, आप अपने ऑर्डर्स उनको रिव्यू करें और अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई करें और अपने ऑर्डर्स को अमेंड करें। इसका मतलब ये है कि जो ये कहा जा रहा है ना कि जी बड़ी दयानतदाराना तहकीकात हो रही है फौज के अंदर से, जो सवाल उठे हैं मैं उनका जवाब देता हूँ। मैंने आपको ताज़ा तरीन बात बता दी है, जाए जिसको जवाब चाहिए चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में से नकलें निकाल लें जो वफाकी हुकूमत ने अभी दरख्वास्तें दी हैं दो दिन पहले जाके। अब अगर वफाकी हुकूमत किसी को ये लारा लगा रही है कि हम कुछ कर रहे हैं तो ये फिर वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, वो कभी वहां से खबर बाहर नहीं निकलेगी। दूसरा पहलू ये है कि अगर कोई सिर्फ वजीर होता तो वो तो पहले दिन उन्होंने हटा दिया, ये कोई और है ना जिसको बचाया जा रहा है। ये मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, ये सवाल कोई एक आदमी से नहीं है, कोई आर्मी चीफ से नहीं है, ये सवाल पूरी कौम का है और पूरी कौम से है, पूरी कौम की तरफ से है। और कुछ लोगों ने फौज के अंदर से अगर ये सवाल उठाया तो बिल्कुल जायज सवाल है, मुझे नहीं पता क्या सवाल उठाया गया लेकिन बिल्कुल जायज सवाल है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि इसमें बड़े घर का सबसे बड़ा जो इस वक्त फंक्शनल पोर्शन है, फंक्शनल पोर्शन, ठीक है, कुछ चीजें मैंने देखी हुई हैं फ्रेंकली, कुछ चीजें मुझे पता है फ्रेंकली, मैं कुछ बा कुछ भी नहीं रहा। और सीक्रेट एक्ट क्या जी, आपने ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है, जिस घर में से पाकिस्तान के सारे सीक्रेट इदारों की सीक्रेट गुफ्तगू निकल गई वो कहते हैं हमसे बात पूछे किसने की थी। ये हरकतें शरीफ किस शरीफ आदमी ने की है या किस शरीफ नफ्स हस्ती ने की है ये हमसे बात पूछिएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अंडर द कारपेट ये इशू भी किल करने की भरपूर कोशिश हो रही है और तकरीबन 4 महीने उन्होंने गुजार लिए। वो समझते हैं कि जो रहता अरसा है इसके दौरान अगर हम भुगत के निकल गए तो फिर किसी ने हमें हाथ डाला तो हम कहेंगे देखें हमारे खिलाफ तो सियासी मुकदमा बन गया। विक्टिमाइजेशन हो रही है, क्या कहें सर, मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अपना एक क्लियर एक मौकफ दे दिया है कि वी आर टोटली अगेंस्ट है उसकी रेस्टोरेशन के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाउएवर हैज प्लेस्ड अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर पीएमएलएन, आप क्या अपना आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली कमर जावेद बाजवा साहब भी कहते हैं आर्मी चीफ के मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट के बाद दहशतगर्दी में कमी आई है। फ्रेंकली स्पीकिंग कंट्रोल तो हुआ ना, और अगर फौज ना होती तो आपसे तो छोटू गैंग इस मोटू गैंग से नहीं पकड़ा गया, पता नहीं लग रहा था छोटू कौन सा है मोटू कौन सा है। और सारी पंजाब की पुलिस आईजी जो सियासी अपॉइंटी है भागा रहा, मंजर से गायब रहा, वहां गया नहीं, लड़के हमारे वो उठा के ले गए, लाशें उनकी भिजवाते रहे, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी वहां जाते। एक पहलू इसका। इसका दूसरा पहलू है ये कौन है जहां से ये आवाज आई है, ये तो पंजाब हुकूमत का तर्जुमान है, इसके पास इंटीरियर का ओहदा है, आउटलॉ होने के बावजूद लॉ का इसके पास ओहदा है, जिसने ये कहा है कि हम तो पहले दिन से मुखालिफ थे। क्या शहबाज शरीफ साहब ने वजाहत की कि मैं मुखालिफ नहीं था? क्या गवर्नर पंजाब ने कहा जो एग्जीक्यूटिव हेड है मेरा दोस्त है वकील है फिर वापस आ जाएगा हमारी तरह, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत बात हो गई? वजीर आजम हाउस से वेग इसका जवाब आया, फिर वे जवाब, ये कौम का सवाल है, ये फौजियों का सवाल नहीं है। इसलिए कौम का जवाब यह है कि वजीर आजम हाउस से एक हमारी पिंडी की जो इस वक्त डिप्टी मिनिस्टर लगी हुई है उनके नाम से यह चलाया गया कि यह बयान गलत फहमी का और नादानी टाइप के ये अल्फाज थे कुछ, कि ये उसका नतीजा है। आप कमाल करते हैं, आप कहते हैं कि वो 21वीं आईनी तरमीम जिस पार्लियामेंट के आप डंडोरची हैं, जब आपकी गवर्नमेंट गिरने लगती है पार्लियामेंट आओ हमें बचाओ, पार्लियामेंट आओ मुख मुका करो हमें बचाओ, पार्लियामेंट सामने खड़े हो जाओ, पार्लियामेंट तुम जूते खाओ, पार्लियामेंट तुम ब्रंट सह के हमें बचा लो, उस पार्लियामेंट की 21वीं आईनी तरमीम पे जो आपने मुत्तफिका तौर पे आपने ट्रिगर की, आपने उसको स्टीयर किया, बिल हुकूमत ने बनाया, बिल हुकूमत ने पेश किया, बिल हुकूमत ने मंजूर किया, बिल का क्रेडिट हुकूमत ने लिया, आप कहते हैं जनाब हम तो उसको पसंद ही नहीं करते थे, और फिर कोई वजीर आजम बोला इसके ऊपर, कोई वजीर कानून बोला मरकज का, कोई और शख्स वो ऐसा जिम्मेदार बोला जिसने ये कहा हो कि ये गलत कहता है। अच्छा, आप इस तैयारी के साथ जब ये गवर्नमेंट के ये गवर्नमेंट जाएगी लोगों को मनाने के लिए तो कौन मानेगा इनकी बात? अच्छा, जो पीपल्स पार्टी ने कहा उस वक्त भी गलती हुई थी, मैंने आज भी अपने पार्लियामेंट में भी ये गुफ्तगू हुई हमारी, मैंने सिंगल हैंडेडली उस वक्त मुखालफत की, मैंने कहा कंसेंसस करके आप चीजें बनाएं,
कंसेंसस करके बनाएं और आप सनसेट क्लॉज मत रखें कि फलां तारीख को यह खत्म हो जाएगा। उस तारीख तक अगर फैसले गलत हुए तो उसका जिम्मेदार कौन था? फिर सदर पाकिस्तान है ना, जो नवाज शरीफ साहब का अपॉइंटी है। और अगर फैसले हो ही नहीं सके तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर भी सदर पाकिस्तान है। इसलिए कि फाइनल वारंट जो है वो मर्सी पिटीशन के बाद इशू होता है ना जी। राइट, तो कौन जिम्मेदार है? बच्चा आपके आपका मौकफ अलग है, पार्टी का मौकफ अलग था। नहीं, पार्टी में रो के वोट दिया था रजा रब्बानी साहब ने भी, आंसू बहाए उन्होंने और फिर उन्होंने वोट दे दिया। और कुछ और लोगों को भी रिजर्वेशन थी, लेकिन इसके बावजूद, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर फिर मुकमुका हो गया ना तो फिर सब कहेंगे अच्छा जी ये लें जी वोट आ गया। इस तरह से पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी माइनस जीरो हो गई है। लोग ये समझते हैं नजरिया जरूरत, नजरिया मुफामत, नजरिया सियासी जरूरत और नजरिया कारोबारी जरूरत पे ये पार्लियामेंट फैसले करती है। एब्सोल्युटली सर, अब लास्ट मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जरदारी साहब की वापसी जो हुई और अब उनका जो एक पार्लियामेंट का महाज पर वो डट गए हैं, वापस असेंबलियों में आएंगे, कुछ पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके रिजर्वेशंस भी सामने देखने को मिले और जो कुछ इशारे और जो हिंट्स उनकी तरफ से आ रही थी उसमें लगा कि खुश नहीं है। कुछ तो जो खुश नहीं है, जिन्होंने खुल के बात की है वो तो ठीक है, उनके अपने एतराजात हैं जो होने चाहिए और हो सकते हैं, ठीक है, वैलिड है सर आपको। एक पहलू, नहीं मैं अभी वैलिडिटी पे नहीं जा रहा, एक पहलू ये हो गया। दूसरे जो खुश नहीं है उनको ये है कि कुर्सियां तब्दील हो जाएंगी और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए बहुत अच्छा माहौल था, अच्छा माहौल नहीं रहेगा जब ये बैठेंगे। वो खिलाड़ी आदमी है, वो अपने तरीके से खेलेगा, लेकिन फौरी तौर पे बिलावल को भी, फौरी तौर पे आसिफ साहब को भी पार्लियामेंट में आना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो सारे लोग जो ये समझते हैं कि उनका एक नुक्ता नज़र है, जिस नुक्ता नज़र में पाकिस्तान के मसाइल का हल मौजूद है, पाकिस्तान के गरीबों की बेहतरी मौजूद है, वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लें, अपनी मर्जी की सियासी जमात बनाएं या सियासी जमातों में जाएं और पार्लियामेंट में आने की कोशिश करें। सर जरदारी साहब को कुछ प्रॉस्पेक्ट्स तो अगले इलेक्शन के हवाले से नजर आ रहे होंगे? खुल के बात करूं या रहने? खुल के बात करते हैं, आखिरी एक आध मिनट कह दिया, चलिए आखिरी मिनट में बात खुल। देखिए चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं। पहला, नैब के चेयरमैन के रह गए 10 महीने। दूसरा, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के रह गए 9 महीने। तीसरा, इस हुकूमत के भी कोई 9-10 महीने रह गए, फिर तो जाहिर है एक सिस्टम और आ जाएगा ना। तो इस दौरान सिंध की, पंजाब की, मरकज की हुकूमत बननी है जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं समझता हूं कि वो अब इनडायरेक्टली ऑपरेट नहीं करना चाहते आसिफ साहब, कि मैं किसी और के जरिए ऑपरेट करूं और बात पूरी पहुंचे या ना पहुंचे, इधर चली जाए उधर चली जाए कुछ और हो जाए, जो होना है मेरी मौजूदगी में हो। तो ये चार इंपॉर्टेंट इशारे मेरे जहन में हैं जिनकी वजह से वो आए। और बाकी जो वैलिडिटी ऑफ एतराजात है, जमहूरी पार्टी अगर कोई हो तो उसमें एतराज होने में हर जी कोई नहीं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड इट वाज अ प्लेजर हियरिंग योर व्यूज। लोग भी काफी हद तक मुतमईन भी हुए होंगे, पनामा के भी हवाले से आपने काफी जो लोगों के दिमागों में सवाल थे और जो रेज भी मैंने किए उनको भी सैटिस्फाई किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।